तो अभी हम गुलाब की नर्सरी में जा रहे हैं। ये देखो गाड़ी चल रही है और ये रास्ता पड़ रहे हैं। अभी हम सोलापुर रोड से इन कर चुके हैं लेफ्ट साइड में। चलो रास्ता दिखाता हूँ। अभी एको बीमा फिर खाएंगे फिर जाएंगे क्या लेंगे ये बीमल लेंगे, मैं नहीं खाता मामा। चलो पहले बीमल खरीदते फिर वीडियो बनाया जाएगा। चलो तो इन्होंने बीमल खा लिया है, अभी हम गुलाब की नर्सरी में चलते हैं। ये सब कट करना पड़ेगा, हो सकता है ना भी कट करो। गाड़ी हमें स्टार्ट होगी, जस्ट इट्स अबाउट टू स्टार्ट, स्टार्ट नाउ। ओके दिखाता हूँ आपको। ये जो मदर का है एक छोटा सा ऐसा डंडी में लगा के सब। गुलाब मिल जाएगा आपको कुंडी में। प्राइसेस के लिए कॉल करो, मैं देता हूँ आपको नंबर, वो सब लास्ट में। हाँ नहीं तो कॉल करके निकल लेते हैं कि कलम किया उसके बाद फर्टिलाइजर क्या डाला है। तो ये देखो मैं अक्सर बता, सीमेंट का जो है इस बार मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए ट्राई। ये देखो गुलाब के लिए आ गया, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन चिक 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 चिक। ये देखो कलम वाला गुलाब आ गया है, जितना लेना है ले लो, पूरा कलम का गुलाब है, बहुत महंगा होगा। वाह, एक में दो तीन कलर बताता हूँ। तो अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो बहुत कुछ मिलने वाला है। ये देखो पूरा गुलाब और वो भी कलम का है। हाँ ऐसा लगता है कि बोनसाई की तरह अलग अलग कलर का गुलाब आपको मिलेगा। किसी को काट काट के लंबा डंडी लगाया है इसमें, देखो ये इतना लंबा ऐसा। फिर ये देसी भी है, इसमें कलर की फरमाइश भी है, ये भी इधर है। प्राइसेस में पूछ के बताता हूँ आपको कितना है। अभी तक हल्ला हो रहा, अब शांति हो गई होगी। हाँ ये पूरा वॉइस है वैसा। आपको कैसा लग रहा देखने में? वीडियो को देखते ही नहीं, पूरा गुलाब है गुलाब। बहुत अच्छी स्मेल आ रही मेरे को, वाह बहुत ही खूबसूरत स्मेल आ रही है गाइस। यहाँ पर अगर आओगे ना, ये देखो पूरा, अगर इसको हम साइड करते हैं तो पूरा फ्लावर ही फ्लावर है। इसको भी पूरा देखो, तीन चार पांच कर लिया एक साथ, इसको भी पूरा वैसा ही, सबको वैसा ही है। इसमें तो देखो बथेरे कलियाँ हैं, ये देखो पूरा पूरा कली ही कली है। ये सब गुलाब आपको नाराज नहीं करती है क्या है? लेकिन इसमें जो 180 का है, ओ काका क्या है इसमें जो 180 का? हाँ दो दो कलर का फूल आएगा उसको, एक ही है लेकिन। एक कैसा है? नहीं ना, कलम वाला है ना, कलम वाला है लेकिन दो दो कलर का है इसमें जो। ये देखो ये रेड है, ये इसमें है। इसमें किसी किसी में है, किसी में इसमें नहीं। तो वाइट है वो, एक ही है, इसको भी दो है, ये वाइट है ये लाल है। हर में किसी में समझो एक एक में नहीं आएगा तो वो उसको क्या करेंगे। 100 रुपये उठाओ, 100 रुपये उठाओ क्या? नहीं 100 रुपये में तो नहीं मिलेगा। तो 80 रुपये ले लो, 180 ना चलेगा ना? नहीं 80 रुपये। कलम वाला है, कलम वाला क्या डाल दो खाद? कुछ नहीं था, खाद क्या डालते काका बताओ? यूट्यूब पे डालते खाद क्या डालते गुलाब के लिए बताइए? वो डीएपी डालते हैं ना। बस झूठ ना बोलो। नहीं नहीं सच में, खाली डीएपी से कैसे फूल आएगा? डीएपी डालते हैं। निकालो गुलाब, जाओ आप निकालो। वो निकालिए 50। तो अब हम इसके फर्टिलाइजर को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कलम किया उसके बाद फर्टिलाइजर क्या डाला है। तो ये देखो मैं अक्सर बताता हूँ, पहली प्रायोरिटी जो इन्होंने दिया है वो गोबर को दिया है। ये देखो गोबर दिख रहा है आपको, मतलब गोबर इसने बहुत डाला है और हर हर जो प्लांट में है, हर पॉट में वही चीज़ डाला है। और सबसे बड़ी बात जैसे इसको नीचे भी है ना, नीचे कुछ पत्ते बन रहे हैं, किसी किसी में देखो नीचे नीचे स्टेम आ रहे हैं, तो ये उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और
कलम तो किया है, किसी किसी में एक कलर आए हैं, किसी किसी में दो कलर बने हैं, लेकिन हर में दो कलर नहीं बने हैं क्योंकि एक दो कलर जो है ना उसका चल जाता है। दिखता हूँ एक दो कलर किस में बना है। जैसे ये वाला है तो इसमें पहला ये कलर और दूसरा ये कलर बना है। ये देखो, ये एक ही पेड़ आपको दिख रहा होगा नीचे से, इसका दो कलर इसमें बना है। यही एक मुझे समझ में आया। एक और मुझे दिखा था वाइट और रेड, वाइट और रेड का, जैसे देखो ये है, इसमें इसी में वाइट दिख रहा है, इसी में रेड आपको दिख रहा है, दोनों एक ही। यानी कि मैं बोलूँ तो वाइट और रेड वाला हमें ज़्यादा दिख रहा है। ये देखो, फिर ये आपको एक दिख रहा है, ऐसा नीचे से देखो एक दिख रहा है, और इसमें एक ये फूल और एक ये फूल, मतलब ये दोनों ऐसा, दोनों अलग अलग फूल हैं बट एक ही पेड़ में कलम किया हुआ है। तो ये जो कलम का गुलाब होता है ये आपको अलग डिफरेंट होता है, जैसे ऐसे आप सोचोगे कि बुके वाले में लगाते हैं, ये दोनों ग्राफ्टिंग रोज़ ही होता है। मतलब आपको बहुत है यहाँ पे, अगर देखोगे तो बहुतों है, अलग अलग कलर में है, अलग अलग में है, तो आपको डिपेंड करता है। किसी किसी की कलियाँ बहुत भरी है, किसी में अच्छे ग्रोथ नहीं है। हम सादा वाला रोज़ भी देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसका फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया आपको कि प्रायर जो है ना वो गोबर खाद का है, प्रायोरिटी गोबर खाद को देते हैं। ये देखो, देख रहे हैं अलग अलग कलर, अलग अलग, काफ़ी अच्छा इसको प्लांट है, क्यूट सा लगता है ये अच्छा ग्रोथ में मेरे को लग रहा है, बहुत बेली टाइप का लग रहा है ये। किसी किसी में एक ही कलर है, इसमें देखो केवल वाइट है, लेकिन प्राइस सेम रहेगा। चलो अब कुछ वैसे ग्रोथ को देखते हैं। ये देखो, ये सब कलम का ही है, सब स्मेल वाला है। अब हम कुछ ऐसे को देखते हैं जो छोटे अपना कॉमन जो रोज़ होते हैं उस प्लांट को देखते हैं। उसके लिए हमें वो एरिया में जाना पड़ेगा, रही होगी अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है। इस बार मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके लिए ट्रैवल मत करो। एक ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये कलियाँ हैं, इसको ऐसा कुछ करना नहीं है, बस लगाते रहो। पिंक और वाइट अलग अलग कलर का होता है, मेंटेनेंस की बात करूँ तो हो जाता है मेंटेन, ऐसी कुछ बात नहीं है। इसमें भी एक एक वाइट सा है और एक अलग कलर है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, ये भी ठीक है। चलो अब कुछ कॉमन रोज़ देखते हैं जो हमें अक्सर मिलता है, या आपको एडिशनल में बता देता हूँ मैं, ये प्लांट मिलेगा, उसके बाद ये चीनी गुलाब अक्सर मिलते रहते हैं, और आपको एडिशनल में क्या क्या प्लांट मिलेगा, जेड मिल जाएगा, कोलियस मिल जाएगा, गुलाब के हर एक वैरायटी मिल जाएंगे, वेरीगेटेड भी मिल जाएंगे, पॉली हाउस भी इनके पास है, उसमें पॉली हाउस में दिखा देता हूँ, मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गुलाब का स्पेशल टूर है, इसके कारण पॉली हाउस में भी क्रोटन वोटन सब पड़े हैं। कलेक्शन अच्छा आएगा, जैसे कुछ नहीं, कलेक्शन अच्छा है रोज़ का। ये देखो, ये जो मदर का है, एक छोटा सा ऐसा डंडी में लगा के, सब कहने का मतलब इसका स्टेम जो है, स्टेम मोटा होना चाहिए, है ना काका? हाँ। तभी कलम होता है, खुद करते हैं काका ये पूरा पॉट में करने वाले हैं, यानी कि आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये देखो पूरा रेडी होने वाला है। जय माँ काली, रोज नर्सरी नाम है। अच्छा दो काका थोड़ा, ये पूरा गुलाब है, बड़े फूल वाले एकदम ब्रॉड, जो ऐसा देखो इतना बड़ा फूल, अभी तो ये खुलने ही वाला है, ऐसा स्मेल वाला है। काका ये वाला डालेगा नहीं मेरे को, कम डालेगा? गुलाब का फूल का साइज कितना है, ये लाल वाला का ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, सबका वही भयंकर इसका फूल का साइज। और उसका कितना रेट है वो कुंडी वाला? 30 रुपये। और 8 इंची वाला? 60। उसके बाद ये कुंडी में भी गुलाब मिल जाएगा आपको, कुंडी में। प्राइसेस के लिए कॉल करो, मैं देता हूँ आपको नंबर, वो सब लास्ट में, हाँ नहीं तो कॉल करके निकल जाओगे वीडियो से, वीडियोस को देखोगे ही नहीं, पूरा समझना चाहिए ना वीडियो को। देखो इनका सेवंती गया, पूरा गुलाब है,
कलम वाला, और गुलाब की साइज़ बताता हूँ, ये इतना बड़ा गुलाब होगा। मैं बोल रहा था ना गर्मी में आपको गुलाब मिल जाएगा, इतना बड़ा बड़ा। अब ये कलिया है, ये पूरा गुलाब आपको मिल जाएगा, ये कुंडी वाला है ना, छोटे से पॉट वाले हैं, यानी कि 6 इंच पॉट वाले हैं, पूरा गुलाब है। चलो हमारी गाड़ी लोडिंग हो चुकी है, चलना शुरू हो गया है, तो चलते हैं लोडिंग के लिए। ये माइक्रो मंगवाते हैं या बनाते खुद? बनाते, कटिंग करके ना। ये इनका पॉली हाउस जो कुछ हैंगिंग का प्लांट लगे हैं, कुछ मनी प्लांट भी लगे हैं। हाइड्रेंजा रेडी हो रहा है, हाइड्रेंजा कुछ दिन मिल जाएगा, हाइड्रेंजा मतलब। चलो दिखा देता हूँ पॉली हाउस में क्या क्या है शॉर्टकट में। ये देखो कुछ ऐसा अंडर प्रोसेस प्लांट है, स्पाइडर को कुंडी भी लगाया, अभी रेडी नहीं है, सेलम भी रेडी नहीं है, हाइड्रेंजा भी आपको रेडी नहीं है थोड़ा थोड़ा। ये देखो उसके बाद ये स्पाइडर है, स्पाइडर भी अभी रेडी नहीं है, वो आपको डाइफन वेक फेल एंड एंडन है। ये आपको पेटर है, कराटन जिसको बोलते हैं आप। ये बड़े पार्टी का माल निकला हुआ है, देखो कितना हैवी क्वालिटी निकाला है, फ्लावर का साइज़ देखो, ये सारा है ना किसी का निकला हुआ है। वीडियो पूरा देखा होगा तो मज़ा आ गया होगा। ये गुलाब की कटिंग करके फेंक दिए, देखो कटिंग फेंका हुआ कटिंग। ये काट के फेंके क्यों हो काका? फूल क्यों फेंके? वो मतलब जो ये ग्राफ्टिंग के लिए लाया है ना। हाँ चलो अब मैं आपको एड्रेस देता हूँ और एडिशनल प्लांट पे कुछ बताता हूँ। वीडियो देख रहे हो तभी मिलेगा एड्रेस, क्योंकि मैंने ऐसे खुद से प्लान किया था कि एड्रेस लास्ट में देने का आपको, है ना। ये सब प्लांट आपको एडिशनल, मोगरा आपको हर जगह मिल रहा है पुणे में, नो प्रॉब्लम फॉर डैट। कुछ इधर प्लांट है आपको साइप्रस, अच्छी सी नर्सरी है, अच्छे से क्वालिटी में है। और ड्राइवर उधर क्या कर रहे हो? वो देखो उधर क्या कर रहे हैं, वो ढूंढते रहता है कुछ भी ऐसा जो मिलता है मेरे को बताता है ऐसा। चलो नर्सरी का एड्रेस हम लेते हैं, देखो जय माँ काली रोज नर्सरी आमचिया काडे सर्व प्रकार से फुलांची रोज मिलतलील, ऐसा मेरे को मराठी नहीं आता है। उसके बाद इंदू राजू, राजू भाई को कॉल कर सकते हो आप, निताई किसी को भी कॉल कर सकते हो आप, ओके। जो ऑनर है वो राजू होंगे या निताई होंगे, उनको कॉल कर सकते हो आप। आप बिना बात का कॉल मत करो फॉर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपको चाहिए या ऐसा कुछ बल्क में चाहिए ये सब के लिए कर सकते हो, बिना बात का उसके लिए मैं मना करूँगा आपको। ये इसका ऑफिस पॉली हाउस, बहुत ही सिंपल लाइफ, आने दो जाने।